मैं प्रिया आपके साथ। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस आलाकमान ये फैसला ले चुका है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीएम बनने पर अड़ गए हैं। उन्हें मनाने के लिए राहुल गांधी दो बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बेनतीजा रही। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके ने साफ कह दिया कि बनाना है तो सीएम बनाओ, वे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अब डीके ने अपने समर्थकों को दिल्ली बुलाया है। बेंगलुरु फोन करके समर्थकों को गुरुवार की पहली फ्लाइट से दिल्ली आने को कहा गया है। पहले इस तरह की खबरें आई थी कि डीके डिप्टी सीएम कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और दो मिनिस्ट्री लेकर मान गए हैं। आलाकमान सिद्धारमैया को सीएम बनाना चाहता है और उन्होंने डीके के सामने तीन फार्मूले रखे थे। अब खबर आई है कि वो किसी पर भी सहमत नहीं है। आज सुबह दिल्ली में लिखी जा रही कर्नाटक सरकार की स्क्रिप्ट घंटे दर घंटे बदल रही है। डीके ने हाईकमान से कहा है कि लोकसभा की 20 से 22 सीटें वे जितवा सकते हैं। सुबह खड़गे और राहुल गांधी के साथ डीके सिद्धा की मीटिंग हुई थी, लेकिन एक राय नहीं बन सकी थी। फिलहाल बेंगलुरु में चल रही शपथ ग्रहण की तैयारियां रोक दी गई है। इससे पहले डीके ने कहा था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी लीडरशिप में काम करने को तैयार हैं। सोनिया गांधी अभी शिमला में हैं, उनके 20 मई को दिल्ली लौटने की उम्मीद है। अगर गुरुवार तक सीएम का विवाद खत्म नहीं हुआ तो वह पहले भी आ सकती है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।